मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक येलो अलर्ट किया जारी। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने 27 से 30 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई भागों में आगामी 4 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। 2 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश से भूस्खलन होने की संभावना जताई है। सैलानी और स्थानीय लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील भी की गई है। जिला हमीरपुर के पत्रकारों को मिली पार्किंग की सुविधा। जिला हमीरपुर के पत्रकारों की चिरलंबित पार्किंग सुविधा की मांग को आखिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा कर दिया है। प्रेस क्लब हमीरपुर के पत्रकारों को मिनी सचिवालय स्थित पार्किंग में अपने वाहन खड़े करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने पत्रकारों से मीटिंग कर उन्हें पार्किंग स्थल के बारे में बताया। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर सहित क्लब के तमाम सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पार्किंग सुविधा मुहैया करवाने के लिए तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। बताते चले कि जिला मुख्यालय हमीरपुर में विभिन्न समाचार पत्रों में कार्यरत मीडिया कर्मियों को पार्किंग सुविधा न होने के कारण अपने वाहन रोज यहां वहां खड़े करने पड़ते थे। राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ सेब खरीद में अपना रहा पारदर्शिता। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2020 में मंडी मध्यस्था योजना के अंतर्गत सी ग्रेड सेब की खरीद के लिए 125 खरीद केंद्रों पर 9.50 रुपए प्रति किलोग्राम सेब की खरीद की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदे गए सेब की शिमला जिले के अंटी और सोलन जिले के परवाणु में नियमानुसार नीलामी की जा रही है। नीलामी समितियों में हिमफेड के अधिकारियों के अतिरिक्त बागवानी विभाग और विपणन बोर्ड के अधिकारी शामिल किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिए उड़न दस्तों और निरीक्षण दलों का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों को हिमाचल में निवेश के लिए किया आमंत्रित। इंडो अमेरिकन बिजनेस एंड आर्ट्स काउंसिल ने सैन फ्रांसिस्को के भारतीय महाकाउंसिल के सहयोग से हिमाचल प्रदेश पर केंद्रित इंडो यूएस परिसंवाद का आयोजन किया। खाड़ी क्षेत्र के हिमाचलियों ने वर्चुअल माध्यम से इस परिसंवाद को अपना सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर अपने वर्चुअल संदेश से माध्यम से संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत किया और IABC के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने देवभूमि हिमाचल की सुंदरता का भ्रमण करने और प्रदेश की प्रकृति का आनंद लेने के लिए उन्हें यहां आमंत्रित भी किया। उन्होंने इच्छुक निवेशकों को राज्य में निवेश और अपार अवसरों की संभावनाएं तलाशने का भी न्यौता दिया। सुरेश भारद्वाज ने किया पराला मंडी का निरीक्षण। मंडियों में सेब के दाम गिरने और आड़तियों की मनमानी को लेकर गुरुवार को अधिकारियों की बैठक लेने के दूसरे दिन शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व्यवस्थाओं का जायजा लेने मैदान में उतरे। भारद्वाज ने ठियो की पराला मंडी का निरीक्षण किया। हालांकि सुरेश भारद्वाज ने मंडी पहुंचने से पहले ही आड़तियों को उनके आने की सूचना दे दी थी। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मंडियों में सेब का रेट इकोनॉमिक्स के सिद्धांत डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। सेब की ज्यादा आमद से दाम गिर जाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। बिना पर्ची नशीली दवा देना पड़ा भारी। सोलन और सिरमौर में 7 विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में अब विशेष श्रेणी की दवाइयां खतरा पैदा कर रही हैं। डॉक्टरों की पर्ची के बिना ही केमिस्ट नशीली दवाइयों को बेच रहे हैं। इससे ज्यादा संख्या में युवा का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। दरअसल पर्ची के बगैर विशेष श्रेणी की दवाइयां बेचने पर सोलन और सिरमौर में 7 दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दवा विक्रेताओं ने लोगों को विशेष श्रेणी की दवाइयां, जिन्हें नशीली दवाओं में गिना जाता है, धड़ल्ले से बेचा है। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर प्रदेश में विशेष श्रेणियों की दवा बेचने पर संबंधित दवाइयों की छापेमारी की जा रही है। राज्य में बड़े लेवल पर यह अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अभी तक जिला शिमला और सिरमौर में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। जिला सोलन में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों और स्वच्छता की दिशा में किया जागरूक। शिक्षा क्रांति संस्था और जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता ग्रह के अंतर्गत सोलन के खुंडीधार और शिवराम कॉलोनी में नशा निवारण और स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
ये जानकारी शिक्षा क्रांति संस्था के सत्य ने दी। सत्य ने कहा कि अभियान में शिक्षा क्रांति के स्वयं सेवकों और पुलिस विभाग के कर्मियों द्वारा लोगों को स्वच्छता के विषय में जानकारी दी गई और किसी प्रकार के नशे से दूर रहने का आग्रह किया गया। अभियान के अंतर्गत शिवराम कॉलोनी के पथ की सफाई की गई और आसपास के क्षेत्रों में भांग के पौधों को भी उखाड़ा गया। कांगड़ा में कोविड के 33 नए मामले, 47 लोग हुए स्वस्थ। कांगड़ा जिला में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं और 47 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदा ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 363 हैं। सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयाँ और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सजग है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर भी सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करें और मास्क का प्रयोग करना जरूरी है, तभी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। हमीरपुर जिला में शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि शुक्रवार को जिला के विभिन्न स्वास्थ्य खंडों और मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के कुल 672 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 12 पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि स्वास्थ्य खंड टौणी देवी में 3, स्वास्थ्य खंड भोरंज और गलोड़ में 2-2 और सुजानपुर खंड में 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। सैनिक सामान्य ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, सोल्जर फार्मासिस्ट और धार्मिक शिक्षा की भर्ती हेतु जिला बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के चयनित उम्मीदवारों के लिए 29 अगस्त को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा की कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दी गई है। ये जानकारी सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर कर्नल संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा की नई तिथि तय होने के उपरांत सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।